वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। चौंक गए ना, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। इनके अनुसार कोरोना वायरस भी एक प्राणी है और उसे भी जीने का हक है। अब इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने त्रिवेंद्र के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना एक प्राणी है तो इसका आधार कार्ड राशन कार्ड भी होगा ही। अब नेताजी तो बोलकर निकल गए, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनके पीछे ही पड़ गए हैं। लोग तरह तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया है कि इस वायरस प्राणी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शरण दे देनी चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा बयान दिया है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि गाय ही एक लौती पशु है जो ऑक्सीजन को लेती और छोड़ती है। उस बयान पर भी त्रिवेंद्र की खूब किरकिरी हुई थी। ऐसे में सवाल ये है कि जब जनता के प्रतिनिधि इस तरह के बयान देंगे तो फिर जनता का तो छोड़ ही दीजिए। तमाम खबरों और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।